हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लॉन्ग गाउन काटिंग एंड स्टिचिंग करने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने 3 मीटर अस्तर लिया और ये जॉर्जेट का कपड़ा है, तो इसके ऊपर मैं काटिंग करने वाली हूँ। जो गाउन का लंबाई है वो 52 है, तो मैं ऊपर का जो पार्ट है, ब्लाउज है ऊपर का, वो मैं 13 इंच रखने वाली हूँ। पहला तो ऊपर का काटिंग कर लेती हूँ, फिर नीचे का काटिंग करके दिखाती हूँ। ऊपर का जो पार्ट है वो ब्लाउज का जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, तो ऊपर का देखिए जो मुझे चाहिए उसका लंबाई 14 इंच चाहिए, तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। और देखिए शोल्डर में 6.5 इंच ले रही हूँ। नीचे का जो आर्म होल है वो भी मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। फिर ये चेस्ट का लाइन है, इसको ड्रॉ करके ले रही हूँ। अभी जितना चेस्ट है उसका चौथा भाग करना है। जैसे कि इसका जो चेस्ट है 36 है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले रही हूँ। नीचे का कमर का लाइन को सीधा करके ले रही हूँ। कमर में 1/2 इंच कम ले रही हूँ, देखिए जितना है उससे मैं 1/2 इंच कम ले रही हूँ। 11 है तो मैं यहाँ 10.5 इंच ले रही हूँ, 10.5। यहाँ से देखिए मैं 1.2 ले रही हूँ शेप देने के लिए। बैक साइड का गले के लिए 2.5 इंच ले रही हूँ। गले के लिए देखिए मैं यहां से देखिए 6 इंच ले रही हूं। फिर यह राउंड शेप दे रही हूं। अभी इसको कटिंग करके लेती हूं। देखिए मैं कटिंग करके लिया, उसके साथ में मैंने देखिए आज कपड़ा भी कटिंग करके लिया। आगे का जो पार्ट है मैं पेपर के ऊपर पहला काटिंग करने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं फेब्रिक के ऊपर काटिंग करने वाली हूँ। पहला तो जो बैक साइड है इसको उसके ऊपर रखना है। अभी देखिए मैं बैक साइड को रख के इस तरह से ड्रॉ करके लिया और आगे से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। गले के लिए यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ, यहाँ से 6.5 इंच लिया। अब इसको राउंड शेप दे रही हूँ और इसको आगे का जो आर्म होल है इसको लाइटली मैं शेप दे रही हूँ। टक्स के लिए कौन सा भी चेस्ट के लिए 10-10.5 इंच लिया तभी चलेगा। मैं यहाँ से 10 इंच लिया, ये लाइन को सीधा ड्रॉ करके लिया। अभी नीचे से मैं थोड़ा सा बेल्ट रखने वाली हूँ, इसलिए देखिए यहाँ से मैं 1/2 इंच 1.2 ऊपर का तरफ उठा रही हूँ। यहाँ से भी 1.2 ऊपर का तरफ उठा रही हूँ। ये लाइन सीधा ड्रॉ करके लेना है। ये जो लाइन है ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, देखिए ये इसके साथ जॉइंट करके ले रही हूँ कमर के लाइन के साथ। यहाँ से 4 इंच ले रही हूँ, यहाँ से देखिए 4 इंच लिया। लेने के बाद देखिए ये लाइन को सीधा ड्रॉ करके लिया। ये जो लाइन है ये लाइन के साथ जॉइंट कर लेना है।
खड़े हैं ये लाइन के साथ। यहाँ से डेढ़ डेढ़ इंच के लिए टक्स के लिए ले रही हूँ मैं। ये जो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, एक टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा है। ए लाइन से जोड़ देना है। अभी यहाँ से देखिए मैंने ये 6 इंच पे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ए लाइन से जोड़ देना है। देखिए इस तरह से उसको शेप दे देना है। अभी थोड़ा सा ए लाइन यहाँ पर लाना है, तो इसका जो शेप है वो बहुत ही ब्लाउज का जैसा शेप आ जाएगा परफेक्ट, इसलिए मैं इस तरह से दिया। यहाँ से जो मैंने थोड़ा सा ऐसा ये है एक्स्ट्रा लिया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा देना है, 1/2 इंच बड़ा देना है, फिर ए लाइन के साथ जोड़ देना है। ये अभी पूरा हो गया है, इसको कटिंग करके ले रही हूँ। आप चाहे तो गला का आगे डिजाइन भी कर सकते हो, और जो मैंने प्रिंसेस कट का जैसे शेप दिया, आप चाहे तो 1 टक्स भी दे सकते हो, मतलब आगे से टक्स भी ले सकते हो। ये काट के उसको और इसको राउंड शेप में दे देना है। देखिए ये जो पार्ट है, ये आगे का पार्ट कटिंग हो गया। मैं आपको कपड़े का फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके दिखा दूँ। देखिए इसका ऊपर इस तरीके से रखना है। रखने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा 1/2 इंच जितना आपको सिलाई मार्जिन चाहिए उतना ड्रॉ कर, इतना ज़्यादा लेना है, कटरी को भी देना है, ये दोनों का इतना इतना बड़ा के लेना है। अभी इसको ये शेप में मैं कटिंग करके ले रही हूँ। और गला का देखिए इस तरह से आगे से ये साइड में बंद है, क्योंकि आगे से बंद है इसलिए इस तरह से है। देखिए उसको शेप रखने से ये बॉडी में डालने के बाद ऑटोमेटिक ये जो गला का शेप है ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए मैं इसके साथ अस्तर को ये फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया, तो ये आगे का पार्ट कटिंग हो गई। अब स्लिप्स के लिए देखिए मैं 1/2 इंच स्लिप्स बना रही, 1/2 स्लिप्स बना रही, मतलब आधा है। आपको जितना लंबा रखना है उतना रख सकती हो। देखिए मैं 3 इंच चाहिए तो मैं 4 इंच पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन को सीधा करके ले रही हूँ। यहाँ से देखिए मैं नीचे से 6 इंच लिया, और ये जो लाइन है ये लाइन से मैं ज्वाइंट करने वाली हूँ। अभी देखिए नीचे का पार्ट कटिंग कर रही हूँ। कपड़ा को मैंने फोल्ड करके लिया, देखिए 4 लेयर है, ये साइड से बंद है। मैं अम्ब्रेला का कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से देखिए मैं जितना कमर है उसका 1/4 भाग करना है, और इस तरह से टेप को लेना है। यहाँ से मैं 8 इंच लिया, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से मेजरमेंट लेना है बराबर है कि नहीं। यहाँ से 5 है, यहाँ से भी 5 होना चाहिए। फिर ये लाइन को सीधा करके लेना है। लेने के बाद उसको थोड़ा सा शेप दे देना है राउंड शेप में, थोड़ा सा घुमा के उसको शेप देना है। देखिए फिर जितना कमर है उसको मेजरमेंट करके लेना है। इस तरह से मेजरमेंट करके लेना है। अभी जो नीचे का कार्ड है यहाँ से देखिए आपको जितना चाहिए उतना, यहाँ से मैं 35 इंच ले रही हूँ। देखिए पूरा इसी तरह से घुमा के मैं 35 इंच ले रही हूँ। ये राउंड से ऐसा घुमा लेना है और यहाँ से मार्जिन करके लेना है। टेप को इसी तरह से घुमाना है। देखिए मैंने पूरा ड्रॉ करके लिया, अभी इसको फिर से कटिंग करके लेना है।
देखिए मैं कटिंग करके लिया पूरा, ये डबल है। अभी इसके साथ अस्तर भी कटिंग करना है। नीचे का पार्ट हो गए, अभी इसके साथ अस्तर भी मैं कटिंग करके ले रही हूँ। देखिए नीचे का अस्तर भी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से देखिए बंद है, आगे से ओपन है। यहाँ से मैं 5.5 इंच लिया और नीचे से देखिए 11 इंच है, और यहाँ से देखिए मैं 5.5 इंच लिया। इस तरह से उसको काट कर देना है, नीचे का जो घेर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए नीचे का घेर है इस तरह से है, तो अभी मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए जब भी आपको ज़्यादा घेर वाला अम्ब्रेला कटिंग चाहिए, तभी देखिए काटने के बाद देखिए उसका जो लेयर है देखिए छोटा बड़ा है। देखिए ये बीच में तो बहुत ही छोटा है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको पूरा राउंड में चाहिए तो ये एंगर के साथ उसको देखिए पिन से इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से लेने के बाद उसको इस तरह से लटका के रखना है। रखने के बाद अभी नीचे से जो लेयर ज़्यादा है उसको कटिंग करके लेना है। देखिए ये जो लेयर है इसको कटिंग करके लेना है, फिर वो बराबर आ जाएगी। तो देखिए इस तरह, देखिए कटिंग करने के बाद पूरा मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। देखिए ये अभी पूरा लेयर जो है एक लेवल का आ गई। देखिए ये पूरा हो गया, तो इसी तरीके से उसको कटिंग करना है। देखिए जो ऊपर का पार्ट कटिंग किया उसको मैंने अस्तर के साथ अटैच कर लिया। अभी बैक साइड में मैं टक्स लगा रही हूँ। यहाँ से मैं 5 इंच ले रही हूँ और ऊपर का तरफ मैं 5.5 इंच पे टक्स लगा रही हूँ। 1/2 इंच पकड़ के टक्स देना है। देखिए टक्स लगा दिया बैक साइड को। अभी फ्रंट को इसके साथ कोटरी को अटैच करके लेना है। देखिए इस तरह से रखना है और उसको नीचे से टिप लगा के लेना है। देखिए मैं कोटरी को जॉइंट कर लिया, इस तरह से जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद नीचे 2 इंच का पट्टी भी लगाना है बेल्ट का जैसा नीचे का। देखिए मैं 2.5 इंच चौड़ा ऐसा नीचे का जो बेल्ट के लिए मैं कपड़ा कटिंग किया और जितना चाहिए उतना मैंने ऐसा ले लिया। इसके साथ मैं फैब्रिक भी कटिंग कर लिया। अब इसके ऊपर से टिप लगा के लेना है। बेल्ट को अस्तर के साथ अटैच कर लिया। अभी देखिए उसको ऊपर इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसका ऊपर से टिप लगा के लेना है। ये आगे का पार्ट है। देखिए मैं नीचे का बेल्ट लगा लिया, इसके ऊपर से टिप भी लगा लिया। अभी देखिए दोनों शोल्डर को जॉइंट करके लेना है, फिर उसके ऊपर से गला पट्टी लगा लेना है। आप चाहे तो गला पट्टी भी लगा सकते हो और बकरम भी लगा सकते हो। मैं पाइपिंग कर रही हूँ, पहला तो शोल्डर को जॉइंट करके ले रही हूँ मैं। अभी देखिए मैं एक साइड में शोल्डर को जॉइंट कर लिया, दूसरा साइड नहीं क्या। अब यहाँ से पाइपिंग मैंने लगा रही हूँ, पट्टी लगा के फिर उसको पाइपिंग करने वाली हूँ पूरा गले को। गले को देखिए पाइपिंग कर लिया। अब स्लिप्स लगाना है पाइपिंग करने के बाद। स्लिप्स देखिए इस तरह से मैं स्लिप्स को कटिंग किया, इसका मिडिल पे कट लगा के लेना है। देखिए मैं अस्तर के साथ उसको लगा लिया। अभी देखिए इसको मिडिल पे रखना है, शोल्डर का मिडिल पे। ये देखिए शोल्डर का मिडिल पे रखना है, रख के उसको ऊपर से टिप लगा के लेना है। देखिए इस तरह से स्लिप्स को लगा रही हूँ मैं। देखिए मैं स्लिप्स को लगा लिया और देखिए इतना गैप है, तो ये जो ये स्लिप्स देखिए इस तरीके से जो स्लिप्स है, और ये जो एक्स्ट्रा है इसका देखिए इसके ऊपर से टिप लगा के लेना है। देखिए इसके ऊपर से देखिए मैं स्लिप्स को लगा लिया, उसका शेप देखिए इधर आधा तक ही लगाया मैंने स्लिप्स, और देखिए इतना है। अभी नीचे का जो घेर है उसको लगाना है। नीचे का जो घेर है अस्तर है उसको मैंने जॉइंट कर लिया। देखिए ये आगे का पार्ट है, इस तरह से पूरा जॉइंट कर लिया। नीचे यहाँ टिप लगा के लेना है नीचे का। देखिए इस तरह से उसको टिप लगा के लेना है।
अभी देखिए ये जो नीचे का अस्तर है, घेरे है नीचे का, उसको ऊपर देखिए, ये जो फैब्रिक है उसको ऊपर इस तरीके से रख के ऊपर यहाँ पर टिप लगा के लेना है कमर पे, और देखिए नीचे पिको करके लेना है। आप चाहे तो ऐसा टिप भी लगा सकते हो, मैंने ऐसा पिको कर लिया नीचे का जो लेयर है उसको। फिर ये जॉइंट करने के बाद ये जो पार्ट है इसके ऊपर देखिए इस तरीके से रख के उसको टिप लगा के लेना है। देखिए इस तरीके से उसको टिप लगा के लेना है, फिर पूरा रेडी हो जाएगी। फिर साइड में फिटिंग करके लेना है। देखिए जो नीचे का लेयर है मैं कमर के साथ अटैच कर लिया, देखिए लगा लिया। ये बैक साइड है और ये आगे का है, तो ये पूरा बन के रेडी हो गई। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।